हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो है मैं मेरे ड्राइंग के आउटलाइन कैसे करता हूँ, ड्राइंग और पोर्ट्रेट का आउटलाइन कैसे करता हूँ। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ मैं मेरे ड्राइंग का आउटलाइन कैसे करने वाला हूँ। तो मैंने एक पोर्ट्रेट के मैं मेसी का पोर्ट्रेट दिखाने वाला हूँ आज। आप देखिए, शुरू से लेकर एंड तक देखिए तो आप भी हो जाएंगे एक्सपर्ट कैसे आउटलाइन करते हैं। तो आप देखिए, मैंने एक मेसी का एक पोर्ट्रेट का एक प्रिंटआउट ले निकाल लिया। प्रिंटआउट निकाल के फिर आपको चाहिए एक स्केल, जो 12 इंच का स्केल होता है ना, वो स्केल चाहिए आपको, जो आपके नज़दीक की कोई स्टेशनरी में मिल जाएगा 12 इंच का स्केल। फिर उससे आप हाइट पे दोनों तरफ से पॉइंट आउट कर लीजिए, एक इंच करके पॉइंट आउट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप विड्थ पे भी नीचे और ऊपर एक इंच करके पॉइंट आउट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लाइन को कनेक्ट कीजिए। फिर आप देखेंगे आपके जो प्रिंटआउट कॉपी है उसके ऊपर बॉक्स 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 आ जाएगा। फिर आप ठीक सेम तरह से आपका जो कॉपी है जिस ड्राइंग पेपर के ऊपर आप ये पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर आप सेम तरह से ऐसे बॉक्स कर लीजिए, ऐसे एक इंच करके दोनों साइड से करके फिर ऐसे बॉक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए आपका जो प्रिंटआउट कॉपी है, जो आपका प्रिंटआउट कॉपी है उसके अंदर देखिए ठीक तरह से, एकदम ठीक तरह से देखिए जी कौन से बॉक्स पे कितना हिस्सा आया है। और उसको करने के लिए आप ऊपर पॉइंट ऊपर नंबर दे दीजिए, एक एक बॉक्स पे एक एक नंबर दीजिए और साइड पे भी नंबर दीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कौन से बॉक्स पे आँख आता है, कौन से बॉक्स पे होट आता है, ऐसे ऐसे करके ठीक तरह से एकदम केयरफुल्ली आप शुरू से लेकर एंड तक मेरा वीडियो देखिए। फिर आप भी हो जाएंगे एक्सपर्ट एक आउटलाइन करने में। और कुछ कुछ लोगों को तो मतलब शेडिंग आ जाता है, फिर उन लोगों को बहुत ही दिक्कत होता हो जाता है कि उन लोगों को आउटलाइन नहीं आता है। आउटलाइन ठीक तरह से नहीं होगा तो आप शेडिंग अच्छे करके भी आपका पोर्ट्रेट सही नहीं होगा। तो आप पहले आउटलाइन सीखिए कैसे आउटलाइन करना पड़ेगा। मेरा वीडियो जो है वो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत करिए। और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए।